हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं घूमी घूमी करने। मैंने जल्दी जल्दी में ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया था, अब करूंगी। देखियो देखियो, जिया भी जाली है। अभी तो 5 बज रहे हैं और ये कौन है, इसमें कौन है अंदर, इसमें है मेरा इवांशु जो रुकेगा घर पे। चलो चलो चलो, गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बैठेगा तू, इचमें बैठेगा, इचमें गाड़ी में बैठेगा। सो गाइज, हम लोग जा रहे हैं राजस्थान बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। तो जल्दी जल्दी में ना, मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर ही नहीं पाया। सो हम ना सुबह 5 बजे निकले थे और घर पे मेरा भाई रुका हुआ है, तो हम सब लोग जा रहे हैं, जिसमें पापा, मम्मी, छोटी वाली दीदी और ताई जी, हम सब लोग साथ में जा रहे हैं। तो हम सुबह सुबह 5 बजे के निकल गए थे, तो मैं जल्दी जल्दी में ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, इसलिए मैं यहाँ से आपको बता रही हूँ। और ये हो गया सुबह का टाइम, एंड सुबह सुबह का वेदर इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा था, 6:15 के समथिंग हो रहे होंगे, एंड इतने प्यारे से बादल हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वेदर हो रहा था गाइज। एंड गाइज, जो ये व्लॉग है ना, ये है 3 तारीख का, ये 3 तारीख का व्लॉग है। सो पूरा व्लॉग है 2 दिन का, सो ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहुंच चुके थे, एंड यहाँ पर ना चेकिंग हो रही थी, वो उसकी वजह से, इलेक्शंस की वजह ना, तो सारी गाड़ियों की चेकिंग वगैरह हो रही थी। सो ना यहाँ पे ना, मतलब वीडियोस वगैरह बनाई जा रही थी, तो जब हम वीडियो बना रहे थे ना, तो वो जो पुलिस वाले अंकल थे वो बोल रहे थे कि वीडियो बना रहे हो आप लोग, हमने बोला व्लॉग बन रहा है हमारा। ये लड़की दीदी उठ गई, दीदी उठ गई, दीदी कहाँ है, हाथ में तीन किलोमीटर है यहाँ से मंदिर पहुँचने पार्किंग में लगा रहे गाड़ी। वैसे तो मुझे था। चलो उतरते हैं। अनु की जीवित है, गाड़ी चला रहा है जीवित के। अट्रन अनु, अनु तो पार्किंग पे गाड़ी लगा के फिर हम यहाँ पे एक ऑटो से आए। यहाँ पर धर्मशाला थी, एक अग्रवाल करके थी एक धर्मशाला, एंड इसके जस्ट सामने, हम हमारे रूम के सामने इतनी प्यारी सी, बहुत बड़ी सी मूर्ति थी, एंड ये यहाँ पे हमारा रूम था, बहुत अच्छा रूम था, एंड रूम के बाहर का व्यू तो और भी ज़्यादा अमेजिंग था। ये हमारा रूम, एंड ये हमारा वॉशरूम, और ये दीदी, और ये जिया। यही उतर रहा ना अभी उसको, ये लग रहा है कि कहाँ आ गए हम।
गए हम कहाँ गए हो गया हनु रेडी जी अभी हो गए खालो 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 इसे खालो दीदी का लाइनर लग गया सो हम अपने साथ गैस लेकर आए तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय खो गया अभी आप व्लॉग में क्या सही है हाँ फिर रेडी होने के बाद हमने पी चाय नाश्ता किया क्योंकि सुबह सुबह हम लोग 8:30 के समथिंग हम यहाँ पहुँच गए थे तो हमने थोड़ा सा खाया पिया और उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होके एंड देन हम निकले बाहर मंदिर जाने के लिए मंदिर ये है मंदिर ये हमारे भगवान जी देखियो ना कितने बड़े हैं देखियो बहुत बड़े हम जा रहे हैं पैदल पैदल मंदिर पूरी मार्केट है यहाँ पर अब यहाँ पर मंदिर में जाने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी तो हम ये लाइन के साथ चल रहे थे दो लाइन लगी हुई थी एक साथ जो दो लाइन एक साथ चल रही थी बहुत भीड़ थी बट चलती हुई भीड़ थी मतलब जल्दी जल्दी निकलते जा रहे थे लोग आप ये साइड में देख रहे हो यहाँ पे ना लोग मन्नत के धागे बांध के जाते हैं मतलब अपनी मन्नत बांध के तो यहाँ से प्रवेश द्वार था फिर यहाँ से हम गए मंदिर के लिए ये था गाइस बालाजी का मंदिर इसके बाद ना मैं बाहर आ गई मतलब बाहर की तरफ आ गई क्यों मैंने वीडियो नहीं बनाया एक तो बहुत भीड़ था उसके बाद मैं उनको देखने में इतना हो गई ना कि मैंने वीडियो बनाया ही नहीं उसके बाद वहाँ से मिला था ये पूड़ी का प्रसाद जिसमें हलवा सब्जी एंड पूड़ी थी और ये प्रेतराज का मंदिर एंड ऐसे ही सारे मंदिर यहाँ पर थे जो हमने देखे और उनकी मैं वीडियो ज़्यादा मैंने नहीं बनाई मैंने खुद से ही नहीं बनाई रूम पे आते ही हनु सो गया था क्योंकि वो सुबह का उठा हुआ था जल्दी जल्दी तो फिर हम लोग यहाँ पर आए एंड फिर हम लोगों ने जो हमें प्रसाद मिला था ना वहाँ से फिर हमने वो ये प्रसाद खाया वहाँ से आके उसके बाद थोड़ी देर हम दोपहर को सो गए थे फिर वही हम चाय की ड्यूटी पे लग गए शाम को 4:30 के समथिंग फिर मैंने बनाई चाय फिर हम सब लोगों ने पी चाय यहाँ पे क्योंकि यार सुबह शाम चाय तो मैंडेटरी है पीनी ही पीनी है मतलब इसके बिना तो लगता ही नहीं है ये कुछ खाया है पिया नहीं है तो मतलब उठे थे ना तो ऐसी क्रेविंग हो रही थी चाय की तो फिर फटाफट से चाय बनाई और चाय पी बाहर की ना चाय अच्छी नहीं होती मतलब टेस्ट ही नहीं आता लगता ही नहीं है चाय पिए और फिर वो इतनी महंगी भी होती है और टेस्ट भी नहीं आता तो फिर फ़ायदा ही क्या है तो हम लोग अपने घर से गैस वगैरह लेकर आए थे ताकि हम चाय बना सकें सिर्फ हमने चाय ही बनाई थी यहाँ पर
तो मैं अभी चाय यहाँ पे अलग अलग कर रही थी, मतलब फीकी वाली चाय। चलो हम हो गए रेडी, अब हम जाएंगे घूमने। बहुत कलियाराम, देखो हमारे पीछे है हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है ना, ये देखो उधर लगी हुई है माँ बेटी। गुफा है देखो, गुफा यो, ये कितने बड़े हैं। देखो ओ भाई साहब, गिर भी सकता है कभी भी, डर है। हाँ डर है। ये है गुफा, ये हनुमान जी निकलते हुए मुंह में से निकलते हैं। मंदिर घूमने के बाद फिर हम निकल गए अपने रूम के लिए, एंड यहाँ पे हमें किसी ने शॉर्टकट रास्ता बता दिया था, और ये शॉर्टकट रास्ता कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया, बिकॉज सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि इन पर चढ़ा ही नहीं जा रहा था, एंड ऊपर से था कुछ ऐसा व्यू, एंड ये सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा ऊँची थी ना कि इन पर हम तो छोड़ो, जो हमारे साथ मम्मी वगैरह थी उनका भी चढ़ना मुश्किल हो रहा था, और ये कुछ ऐसा व्यू था वहाँ का। उसके बाद हम आगे रूम पे बाहर बैठे हुए थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, सब लोग अपने बाहर बैठे हुए थे। फिर हमने खीरे ककड़ी वगैरह ले ली थी, नमक से खा रहे थे, और बच्चे यहाँ पर ना खेलने में लगे हुए थे, बहुत अच्छा व्यूज़ हो रहा था, बहुत अच्छा मज़ा भी आया यहाँ पर, और बच्चों को तो बस खेलने से फुर्सत नहीं होती। और यहाँ पे हनु के पापा गए थे बालाजी के मंदिर, वहाँ पर मतलब आरती जब होती है तो पूरी आरती उन्होंने वहाँ पर सुनी, और उसके बाद वहाँ से ये लॉकेट लेकर आए सभी बच्चों के लिए, एंड बच्चों को पहनाया, और देखो हनु यहाँ पर कितना खुश हो रहा था लॉकेट को पहन के, ये देखो। बाद में कर देंगे। जय श्री राम, तू बोल जय श्री राम, बोल गए। चलो चलते हैं खाना खाने। देखो कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, हम और हमारे बालाजी महाराज जी है बस। श्री का तला लगाओ और चलो हम जाएंगे इस वाले में। चलो चलो खाना खाने चलो।
क्या हो गया? ए, तेरी हर जगह आतंकी है, तेरी हर जगह वो चलेगी। कभी कभी तो छुट्टी मिलती है किचन। ये देखो हनु सो गया थक के। यहाँ पे चल रही है सबकी आइसक्रीम। देखो मम्मी ने नहीं ली, ताई ने, ताई ने लिया आइसक्रीम। उसके बाद फिर हम सो गए मॉर्निंग में। यहाँ पर उठे सब लोग, तैयार हो रहे थे मॉर्निंग में। हम लोग 4 बजे उठे, हनु भी उठ गया हमारे साथ ही। तो हम सब लोग नहाए और बच्चों को फिर हम ऐसे ही जल्दी जल्दी में रेडी करके और ले गए मंदिर जाने के। रेडी शेडी शाले, देखो पापा रेडी। रेडी हो रही है, अब हम जाएंगे जी। बताओ हनु टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं। हम जाएंगे सुबह सुबह दर्शन करने, दर्शन करने जाएंगे हम। चाहिए? चलो दर्शन करने चलते हैं। गाइस इतनी सुबह सुबह भी इतनी भीड़ लगी हुई है। बाबा पास अच्छा। आ जाओ ताई बाबू को प्रसाद तो लेना ही आपको। आ गए हनु को घूमी घूमी चाहिए नीचे। यहाँ लाइन लग रही है और हनु के पापा की आंखें चार हो रखी हैं इस टाइम। उठो 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 उठो। हनु उठ गया। हम अभी तक लाइन में ही लगे हुए हैं, 1 घंटा हो गया हमें लाइन में गड़े गड़े। हनु ने चोई चोई कर ली। सो गाइस कर लो आप लोग भी दर्शन बालाजी महाराज जी के। दर्शन करके आ गए हम अपने कमरे पे। जय श्री बालाजी महाराज। चलो पंडित जी, ओ पंडित जी। चलो रेडी शेडी हो गए, पैकिंग हो गई, यहाँ से थोड़ा थोड़ा खाली कर दिया। हाँ चलो हनु हवे चैन जाने के लिए बाहर। बाहर जाएंगे, बाहर बाहर, ये बाहर। ये देखो हमारे रूम से बाहर का व्यू स्टैंडर्ड है। अभी थोड़ी जा रही हूँ, ठंडा हो जाएगा फिर वो। अहा, बैठ गए अंदर हम तो। गाड़ी में बैठ गए, चलो घर। सफाई हो रही है, सफाई चल रही है। जिया का मन रह गया।
यहाँ देखो हनु सो गया और हम फिर घर पहुँचने वाले थे गाइस। घर पहुँचने के बाद गाइस मैंने व्लॉग कंटिन्यू क्योंकि नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद मेरे वहीं पर ही 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, तो दीदी मेरे को बिना बताए मेरे लिए केक लेकर आई और उस पर 10K लिखवा कर लेकर आई। फिर हमने केक कटिंग किया एंड केक खाया। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 10K सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। ठीक है बंद कर दो।